फॉल्स ऑप्टिमिज्म स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बट लिवरपूल फैंस को ये कौन समझाए लिवरपूल ने यूनाइटेड को जब सात जीरो हराया था तो बहुत लिवरपूल फैंस काफी ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे कि मड के अगेंस्ट उनका कुछ कम करने के चांसेस है बट आपके पास जब दो क्लब्स आते हैं वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब्स इन द चैंपियंस लीग एक के पास छह टाइटल है एक के पास चौदह टाइटल है ऑलमोस्ट डबल तो एक ने पीएचडी कर रखी है एक ने मास्टर्स कर रखी है बट जिस टीम ने पीएचडी करी होती है वो टैक्टिक्स से काफी आगे बढ़ चुकी होती है उसको टैक्टिक्स की जरूरत नहीं उसकी मेंटालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि देर मेंटालिटी इज नेवर इन क्वेश्चन और चैंपियंस लीग फिक्स में स्पेशली नॉकआउट सिनारियों में जहां पे आपके पास सिर्फ एक मिनट होते हैं जिसमें सब चीज डिसाइड होती है उन एक मिनट में आप कब कौन सा कार्ड राइटली प्ले करते हो कब आप इक्का निकालते हो कब आप बादशाह निकालते हो कब आपको क्या प्ले करना होता है जब एक टीम को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में तो यू नेवर हैव अ चांस आई वुड नॉट से यू हैव अ चांस स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट लेग इसलिए लिवरपूल अल्टीमेटली लॉस्ट अगेंस्ट रियाल मर्टेड एंड बाकी सब चीज हटा हाँ दो नेपली पे बहुत लोग कम ध्यान दे रहे हैं एंड नेपली इज अ क्लब जो आप कह सकते हो धीरे धीरे अंडर डॉक्ट से इट इज क्रीपिंग अपन टू दैटेगरी तो लेट सी हुट हमारे तो देखते इस बार कौन फेवरेट्स होगा रियल मेडिड एज यूज इज नॉट बट कैन दे बिकम द अंडर डॉग अगेन डिस्पाइट बींग द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द चैंपियस लीग पिछले आठ मैचेस जो चैंपियंस लीग में हुए रियाल मेड्रेड और लिवोपुल के बीच में सात रियाल मड जीती है और एक ड्रॉ हुआ है निर्लिन तो रिकॉर्ड के मामले में बात करू तो रियाल मेड्रेड इज ऑब्वियसली हेड एंड शोल्डर अबव लिवोपुल इन द पास्ट रिकॉर्ड इन दी हेड टू हेड मैचे हमारे साला भाई को कौन समझाए समझा भाई कभी नहीं मानते काफी टाइम से स्कोर सेटल करना चाह रहे हैं इस बार मैच से पहले भी उन्होंने नेवर गिव अप वाली टी शर्ट पहनी हुई थी सब लिमिनल्स दे रहे थे धीरे धीरे मैसेज दे रहे थे कि भाई हमारे को अचीव करना है हम अचीव करना है सेटल मैसेज देना पड़ जा रहे थे कि नथिंग इज थेबल डोंट पुट एनी थिंग लिवरपूल बट आई थिंक इफ रियाल मड्रिड इज इन फ्रंट ऑफ लिवरपूल तो यू शुड डेफिनेटली पुट द रिजल्ट पास्ट एंड दी लाइकली विनर पास्ट क्योंकि

की है, दे 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 था को, जो उनको एनेबल करता है कम करने के लिए बट एनफील्ड पे इस बार मैच था नहीं एनफील्ड पे जो पहला मैच था पिट गई थी और आप एनफीडे रिकॉर्ड देखो इन लिवरपूल का पिछले जितने नॉकआउट फिक्स हुए हैं द रिटर्न लेग इज एट हैज मोर ऑफन द नॉट मुझे एक्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं बट जितने मैचेस मैंने देखे थे पिछले चैंपियंस लीग भी देख लो आप इंटर के अगेंस्ट थे एनफील्ड पे लिवरपूल दे हैड अगर आप स्कोर लाइन को देखो बेन्फी बेनफी का थ्री ने हुआ था इंटर एक जीरो जीत गई थी एनफील्ड पे बट लिवरपूल एनफील्ड पे कभी भी ओवरऑल नहीं होती थी ऑपोजिशन से ऑपोजिशन लिवरपूल को मेंटली वन अप नहीं कर पाती थी बट दिक्कत क्या होगी इस पूरे लेग में आप कह सकते हो लेग में क्या फिक्सर में पूरे देखो दोनों लेग अगर आप कंपेयर करो फर्स्ट लेग में लिवरपूल का जो एडवांटेज होता है उनका मेन एडवांटेज उनको वो एनफील्ड पे सिक्योर करना था उनको एनफील्ड पे उसको कंसोलिडेट करना था उनको क्या इंश्योर करना था कि भाई एनफील्ड पे वी गेट अ रिजल्ट अगेंस्ट अगेंस रियाल जिससे हम बर्ने ऊपर जाके वी गेट पुट इन अ टैक्टिकल अक्टिकल एक अपनी मेंटालिटी को यूज करें बट जब आप मैं, अपनी मेंटालिटी जो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लिवरपूल का इन द चैंपियनशिप ये दोनों टीम ऐसी है जिनका पूरा गेम आप टैक्टिक्स को असाइड रख दो टैक्टिक्स को बिल्कुल साइड में रख दो पूरा गेम उनका जो स्टैंड होता है ना दो चीज पे एक ही चीज पे होता है दो चीज पे पर क्या करो एक चीज पे होता है मैंटालिटी मेंटालिटी के मामले में जब आप क्रम्बल कर गए इन फ्रंट ऑफ रियल द अवे टीम एट एनफील्ड तो सेकंड में एक तरीके से एडवांटेज एडवाजो मडरे को ऑलरेडी लिवरपूल दे चुकी थी एंड मड्रेड ने उसे कंसोलिडेट किया लिवरपूल को थ्राइव करने के लिए सर्कमस्टानसेस में कौन से एनवायरमेंट में थ्राइव करती है अटैक करने की कोशिश करेगी तो लिवरपूल को मिलेगा ओपन स्पेस लिवरपूल को मिलेगी एक बिखरी हुई फॉर्मेशन लिवरपूल विल भी नॉन रिजिडिटी तो रिजिडिटी नहीं है जब आपके पास एक बैक लाइन आप ऐसे नहीं खेल रहे हो बिल्कुल एट आप आप द बैक All out, आप पार्क कर रहे हो, उट स्टाइल तो अब अगर आपकी वो वो नहीं कर रही है, है, के के आप करने कोशिश करते हो, Liverpool के लिए वो है, तो क्यों Liverpool फिर बट मड्रेड को पता था मडरेड ऑलरेडी इन फर्स्ट लेग तो उन्होंने इस मैच में आप देख लो इवन इवन मैच था इस मैच में कम्पेरेटिवली फर्स्ट मैच को देखो तो फर्स्ट मैच का जो आप कह सकते हो जो अगर आप उसको ब्रेक डाउन करो इन स्पेल्स ऑफ तो पंद्रह बीस मिनट पहले बीस मिनट वर ऑल लिवरपूल, उसके बाद लिवरपूल धीरे धीरे सेट ऑफ देन मड्रेड को दिखा कि मड्रेड लिवरपूल फिर भी प्रेस कर रही है प्रेस थोड़ी नाइफ थी विच आई थिंक कैन बी क्रिटिसिज्म ऑफ क्लॉप बट दिस इज एक होता है ना कि मैनेजर की एक सर्टन स्टाइल होता है जो उसको इतनी बार रिवॉर्ड करता है उससे इतने बार पे ऑफ होता है वो सर्टन स्टाइल कि वो उससे फिर नेगोशिएट नहीं करता ही इज नॉट विलिंग टू बैक डाउन फ्रॉम दट स्ट फ्रॉम दट पर्टिकुलर स्टाइल और लेवोपूल का स्टाइल है मेटल फुटबॉल क्लॉप का स्टाइल हैवी मेटल फुटबॉल सो है मेटल फुटबॉल so, में कहीं भी आप, आप बैठ के बीच में थोड़ी सुन रहे हो कि आप जैज म्यूजिक सुनने लगोगे बीच में हेवी मेटल फुटबॉल में आपका पूरे टाइम धूमधाम धूमधाम मची रहती है इट्स फुल थ्रॉटल फ्रॉम मिनट वन टू मिनट नाइनटी तो डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन

इस में को, yes, outform, out, मैच में उनको कोई दे डिड नॉट नीड टू आउट आउट परफॉर्म दे रेक्सी उनको ऐसा मैच चाहिए था जिसमें वो लिवरपूल को एक ऐसा इन्वायरमेंट ना दे ऐसा एक गेम स्टेट ना दे जिसमें लिवरपूल उन पर हावी हो सकते है और लिवरपूल मोमेंट्स में दे वर क्रिएटिंग बट दे वर नॉट एबल टू डू मच लिवरपूल ने कुछ चांसेस बनाए कोटो और एलिसन दोनों का आज अच्छा गेम गया स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट लेग तो बोथ कीपर्स ओर ऑन पॉइंट टूडे बट And even किसी भी टीम पे कोई हावी नहीं हुई वेरी वेरी आप इसको बैलेंड मैच बट में पहले मैच की बात कर रहा था तो पहले बीस मिनट में जैसे लिवरपूल को डोमिनेट लिवरपूल ने डोमिनेट किया उसके बाद मड्रिड हावी होगी मड्रिड मेड द कम बैक देकंड में जो हुआ सेकंड हाफ में इट वॉज अपाउन एंड डाउन बट्रिड हैड द मोर आप कह सकते हो लीथलिनेस मड्रिड ने सेकंड हाफ में आउटप्ले कर दिया लिवरपूल को इन द क्रूशल मोमेंट लिवरपूल ने अपना माथा भी खो दिया था भाई सेट पे इतनी पोर डिफेंडिंग थी एंड स्पेशली एट द ट्रांजिशन लिवरपूल इतनी वनरेबल थी कि मड ने कैपिटलाइज करा आपको पता है अगर आप चैंपियंस लीग में मड्रेड को उंगली पकड़ाओगे वो आपको पूरा हाथ पकड़ लेगी और आपकी ऐसी ऐसी करेंगे वो वो बिल्कुल कोई चांस नहीं छोड़ेगी और सेकंड लेग में ना उनको उंगली की जरूरत थी ना हाथ की जरूरत थी किसी की जरूरत नहीं थी हैड द मैच वॉन एंड मेरे को पता था मडरेडेड इन दिस मैच दे विल नॉट गो ऑल आउट आउटडेड बहुत स्ट्रीट स्मार्ट होगी इस मैच में उन्हें पता है उनको ज्यादा

बट इट वॉज इनफ टू गेट ओवर दिख दैट इज वॉट एजेंज मड्रिड का अप्रोच ही है में सबसे चीज मैटर करती है कि कब आप गेम का momentum, कब आप गेम के आप टेम्पो कब आप उसको समझ सकते हो परख सकते हो और कैसे उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने फेवर में यू डोट डो नॉट है आप वन एट्टी मिनट्स में फेवर में भी नहीं थ्री मिनट्स अगेंस्ट मैचस्टर सिटी एंड दे मेड द टाई एंड द स्कोर लाइन शिफ्ट इन दियर फेवर तो ये सब चीजें मैटर करती है इट्स जस्ट अबाउट व्हेन यू मेक द राइट सब्सिटीटूट इट्स जस्ट अबाउट व्हेन यू नो व्हेन द अदर टीम इज बिकमिंग ओवर कॉन्फिडेंट या द अदर टीम इज वनबल उसको कैसे आप कैपिटलाइज करो बार बार मैं यही चीज कह रहा हूं इस मैच में ना टैक्टिकल बात आपको इतनी करनी नहीं थी बिकॉज इट वॉज नॉट अ टैक्टिकल बैटल इट वॉज अ बैटल ऑफ टू मैनेजर्स एंड टू टीम्स जिसमें डिसाइड करना था कि क्या अप्रोच रखना है and दूसरे मैनेजर को बेसिकली एंची है अप्रोच एंड क्लॉप का अप्रोच था कि भाई आप मड्रेड पे हावी हो मड्रेड पे हावी हो भी नहीं पाए इट वॉज नॉट अ स्पेशल परफॉर्मेंस क्लॉप ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा था कि इट वॉज नॉट अ स्पेशल परफॉर्मेंस

आप कह सकते हो तो लाइन ब्रेकिंग पास भी हो रहा था तो लिवरपूल ऑलवेज कॉट आउट और नॉट हैंडल इट जो विनीसियस ने ऑलवेज बॉल प्ले हुई थी विनिसियस पे जब विनीसियस ने बेंजेमा को पास दिया तो तो यही हुआ था दिस इक्जैक्टली वॉट है की लेवोपोल इतनी जल्दी खुल गई थी एंड देन रिएक्ट क्विकली एंड ने पनिश कर दिया उनको तो so ये थीम लेवरपूल की इस पूरे सीजन रही है एम नॉट कि ये खाली मेड्रेड के अगेंस्ट हुआ फर्स्ट लेग में तो बिल्कुल भरपूर हुआ था एंड मड्रेड ने पकड़ के मारा लेवरपूल को और यही इस लेग में हुआ तो आई एम नॉट रियली सरप्राइज बाए बट दिस इज दिसग वीकनेस ऑफ लेवल विच एक्सप्लॉइटेड बाई नॉट जस्ट दिस सीजन बट बट बाय द बैक्स ऑफ ब्राइटन बाय द ब्राइट ऑफ फोम ऐसी टीम्स ने भी एक्सप्लॉइट किया कि सेंट्रली कि काफी पेनिटेड हो जाती है लेवोपूल के साथ दिक्कत यही है यही रही है कि इन दबस ऑफ थियागो इन इन दब्सेंस ऑफ अ स्टेबल मिडफील्ड लेवोपल की पोजिशनल प्लेय जो रहता है बहुत वीक रहा है इस सीजन। आगे बढ़ते हैं मड्रेड है won, में हमें पता ही था इट वॉज नाइनटी एट परसेंट जो ऑर्ड्स है अपनी पूरी प्रोबेबिलिटी का यूटिलाईज किया नैपली की परफॉर्मेंस पे आते नेपली की लोग बहुत बात नहीं कर रहे नेपली वन या नाइन टू से मैराडोना था तब लास्ट दे वॉर्न दी सीरिया सीरिया में इस समय वो बिल्कुल ऐसी -तैसी मचा रखी है उन्होंने दे है इन यूरोप सबसे बड़ी लीग है आ, सबसे बड़ी लीड है उनके पास एवरी मैच दे आर विनिंग फ्लॉलेसली एवरी मैच कुछ ना कुछ कर रहा है ही इज पुलिंग आउट ऑफ द कुछ ना कुछ वो परफॉर्मेंस एक्स फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है ओशी मैन इज वन ऑफ द मोस्ट रीटल स्ट्राइकर्स इन यूरोप स्पेशली एज यूनाइटेड फैन मैं जब बात करता हूं, हम ओजी मैन को टारगेट कर रहे हैं आई क्लियरली सी वाई ओजी मैन इज आर प्राइमरी टारगेट क्योंकि भाई बंदा एरली देखो उसका पहला गोल देखो भाई आप खड़े हो एक जगह यू डू नॉट हैव स्पेस आपने ऐसा नहीं कि आप भाग के आपने हेडर मारा कि यू कैन जनरेट दैट पेस यू आर स्टैंडिंग इन वन प्लेस बट यू कैन जनरेट द पावर कैन जनरेट दी डायरेक्शन इज वेल एंड कितनी नेक्स्ट एन चाहिए उसमें, उसमें चाहिए होती है हमें मेरे को पता बिकॉज आई एम बिग रोनाल्डो फैन मुझे पता है रोनाल्डो की जो हैड एबिलिटी है एंड अबिलिटी हाउ इज इम्प्रूवड दैट कितनी क्रूशल एंड कैन सेट यू पार्ट एज एक्स फैक्टर प्लेयर क्योंकि बहुत फॉरवर्ड हमने देखें कि हारलैंड की बात होती is not the best with his head. Harland, box है हार्लेंड इज नॉ द बेस्ट विद दिस हेड हार्लैंड बॉक्स में लीथल है बट हालण इज नॉ दस्ट विद मैं ये नहीं कह रहा हूँ हालेंड से अच्छा है बट ओजीमैन इज अ वेरी कंप्लीट पैकेज ओजी एन के स्पेस भी है ओजीमेन के न्यूज बोथ ऑफ इस फीट राइट फुट एड हेड डोमिनटली बट ही कैन यूज बोथ ऑफ इस फीट हेडिंग में भी अच्छा है वो एंड मतलब वो होता है ना प्रेसिंग में भी अच्छा है तो वो कंप्लीट पैकेज है आपको किसी भी सिस्टम में आप उसको डाल दो एवरी मैनेजर विल लाइक हिम इन एवरी सिस्टम ऐसा नहीं है कि एक ही सिस्टम को या काउंटर अटैकिंग फुटबॉल सूट करता है वो ही फिट्स इन वेरी वेल इन एवरी सिस्टम इसलिए स्पेलेटी उसको इतना अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा है इसलिए वो लील का जो फॉर्म था उसको अपना नेपली में भी कैरी ऑन कर पा रहा है आई थिंक पूरा क्रेडिट जाता है ओजी मैन को पूरा क्रेडिट जाता है स्पेलेटी को स्पेलेटी इज ऑल्सो दैट

रॉबर्टो डिजर्बी की जो ब्राइटन में झंडे गाड़ रहा है इस समय आप बात करो मोरिज सारे की जो आयरोनिकली वॉज नैपलीज कोच एंड नेपली लक द स्ट्रॉन्गेस्ट अंडर सारी बट सबसे बड़ा जो मैं श्रेय देना चाहता हूँ पेलेटी को भाई आपका गुलेबाली चला गया आपका मोर्टिन चला गया आपका इंजीनियर चला गया आपकी होली टर्टी कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर नेपली मोस्ट कंसिस्टेंट एंड इनके स्टार ग्रेड प्लेयर्स थे उनको आप रिलेज करते हो एक अन क्वांटिटी से अब प्लेयर फ्रॉम जॉर्जिया जिसके लिए आपने मात्र कितने दस बारह मिलियन दिए थे दस बारह मिलियन दिए थे ने, Man के लिए, लील से लाना होता है की नैपली इज पेंग द मोस्ट मनी आप नॉर्मली एसोसिएट करते हो इंटर को इवेंटस को नॉट इवन ए सी में इंटर एंड इवेंटस कोट करते हो ऐसे एक्सपेंडिचर से सीरिया में और अगर आप वर्ल्ड फुटबॉल की बात करो तो मड्रिस्ट द बार्सोलोज दिटीज The Chelsea's, आप आर्सल को भीट कर खर्च करने के लिए स्टेटमेंट साइनिंग तो करी ना लोजानो भी साइन किया था वेरी वेल अंडर स्पेलेटी की साइनिंग नहीं थी फायम नॉट रॉन्ग स्पेलेटी ने नहीं साइन किया था शायदो ने साइन किया था जहां तक मुझे याद है एंड लोजानो इज प्लेंग सो वेल फॉर द टीम जिलेंसकी को देखो जिलेंसकी इतना इंपॉर्टेंट है एजेंबो एंगीजा को देख लो फिल्म में था गॉट रिलेटेड विद फुल बट वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल एंड ऑफ द आप

फ्रैंकफर्ट ने यही अगर आप यूरोपा लीग का फिक्सर किसी को याद है बाहर हो वेरी ओवर पॉइंट फ्रॉफ्ट कैम्पल को ही फ्रैंकफर्ट ने अपना स्टेडियम बना दिया था फ्रैंकफर्ट इज नॉट टीम टू प्ले अगेंस्ट बट फ्रैंकफर्ट को आराम सेन एग्रीट नैपली ने किया एंड आई थिंक इस समय आई रियली वॉन्ट टू सी मतलब सबसे बड़ा क्या चाहता हूँ सबसे एज अ फुटबॉल फैन मैं ये चाहता हूँ कि नेपली वन दे कप अगेंस्ट यू नो दिन चैम्पियंस लीग रॉयटी आती है तो हाउ डू देफॉर्म

इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय